Ali Bhaji, let's read the question. This question contains statement 1 and statement 2. Of the 4 choices given after the statements, choose the one that best describes two statements. Statement 1, energy is released when heavy nuclei undergoes fission or lighter nuclei undergo fusion. Statement 2, for heavy nuclei, binding energy per neutron increases with increasing Z, while for lighter nuclei, it decreases with increasing Z. Okay. स्टेटमेंट वन बिल्कुल सही है. हमारी एनर्जी रिलीज होती है जब हैवी न्यूक्लियाई आपका फ्यूजन अंडरगो करता है और लाइटर न्यूक्लियाई अंडरगो फ्यूजन. देखो दोनों ही प्रोसेस में, फ्यूजन और फ्यूजन में, दोनों ही आपकी एनर्जी रिलीज होती है. जब आपका हैवी न्यूक्लियाई स्प्लिट करके लाइटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है, तब आपकी जो लाइटर न्यूक्लियाई की जो बाइंडिंग एनर्जी होती है ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू दी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हैवी न्यूक्लियाई. तो उसमें क्या होता है, आपकी एनर्जी रिलीज होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन न्यूक्लियर फ्यूजन. ठीक है. और फ्यूजन में भी जब आपके लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन करते हैं टू फॉर्म अ रिलेटिवली हैवी न्यूक्लियाई, ठीक है, उसमें भी आपके लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है. तो दोनों ही प्रोसेस में आपकी एनर्जी रिलीज होती है. स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है. स्टेटमेंट 2 में दे रखा है कि फॉर हैवी न्यूक्लियाई जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है वो इंक्रीज करती है विद इंक्रीजिंग जेड, व्हाइल फॉर लाइटर न्यूक्लियाई इट डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग जेड. ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है. देखो जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का जो कर्व होता है मास नंबर के साथ, जिसका वेरिएशन होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का, वो इस तरीके से कुछ होता है. पहले आपके ऐसे इंक्रीज होते हैं, यहाँ पे आपके कोई 2-3 पीक्स आते हैं, फिर आपका एक मैक्सिमम कुछ अटेन करके फिर डिक्रीज करते हैं. तो हैवी न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर काफी हाई होता है, ठीक है, जो हैवी न्यूक्लियाई मतलब इस पार्ट में आएंगे, इस पार्ट में फॉल करेंगे, ठीक है. तो हैवी मास नंबर जिनका मास नंबर काफी हाई है, ठीक है, तो उनके लिए जो हैवी न्यूक्लियाई की जो बाइंडिंग एनर्जी होती है ना विद इंक्रीजिंग ए, उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वो डिक्रीज करती है, ठीक है. तो इंक्रीजिंग जेड यानी कि इंक्रीजिंग जेड की मैं बात कर रही हूँ, जेड इंक्रीज हो रहा होगा तो मास नंबर भी इंक्रीज हो रहा होगा. तो हैवी न्यूक्लियाई के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है वो डिक्रीज कर रही होती है विद इंक्रीजिंग मास नंबर और विद इंक्रीजिंग जेड बोले तो, ठीक है, तो इंक्रीज नहीं करती, डिक्रीज कर रही होती है. और लाइटर न्यूक्लियाई भी देखो, लाइटर न्यूक्लियाई आपके इस रीजन में आ रहे होंगे, ठीक है. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो मास नंबर 3-20 के बीच में होती है उनकी लार्ज बाइंडिंग एनर्जी होती है पर न्यूक्लियन देन देयर नेबरिंग न्यूक्लियाई, ठीक है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये मतलब हम ये तो नहीं बोल सकते कि वो डिक्रीज कर रही होगी विद इंक्रीजिंग जेड, ठीक है. तो स्टेटमेंट 2 आपकी फॉल्स हो गई है, ठीक है. तो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट चॉइस. स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.